हेलो गाइस, एवीएस की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12 का जीव विज्ञान का चैप्टर 6 वंशागति का आणविक आधार इसको कंटिन्यू करेंगे और ये इस चैप्टर का पार्ट 8 है, यानी 8वां पार्ट है। और इस पार्ट में हम लोग देखेंगे कि डीएनए का द्विगुणन या प्रतिलिपिकरण किस प्रकार होता है। ठीक है, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं अपने दिल की गहराइयों से आप सभी को धन्यवाद और बधाई देता हूँ, क्योंकि आप सभी ने इस चैनल को, यानी आपके अपने एवीएस की पाठशाला चैनल को आपने बहुत सारा प्यार, बहुत सारा सपोर्ट किया है। हमें उम्मीद है कि भविष्य में भी आप लोग ऐसे ही सपोर्ट और प्यार देते रहेंगे, जिससे हम लोग आपके लिए मेहनत करके एक अच्छे से अच्छा कंटेंट और आपको लगातार वीडियोस प्रोवाइड करता रहूँगा। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है डीएनए का द्विगुणन या प्रतिलिपिकरण, यानी कि रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए का मतलब क्या होता है। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, जैसे आप लोग दुकान पे जाते हैं फोटोकॉपी की, तो आप कोई भी काम करवाने के लिए जब आप दुकान पे जाते हैं तो दुकान पे आप बोलते हैं दुकानदार से कि भैया हमारा ये फोटोकॉपी कर दीजिए। जब आप फोटोकॉपी करवा के देखते हैं, उसको एक बार चेक करते हैं, तो आप देखते हैं कि जैसा उसमें लिखा हुआ है सेम टू सेम आपकी उसी तरीके से फोटोकॉपी में आपकी आ जाती है। ठीक है, तो वही चीज है कि रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, एक डीएनए अणु से दो डीएनए अणुओं का निर्माण होना ही क्या कहलाता है, डीएनए का द्विगुणन या प्रतिलिपिकरण कहलाता है। उसी को इंग्लिश बोलते हैं रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, यानी कि एक डीएनए अणु से दो डीएनए अणुओं का बनना, हूबहू सेम टू सेम उसी तरीके के डीएनए अणुओं का बनना ही डीएनए का द्विगुणन कहलाता है। अब हम लोग जानेंगे कि डीएनए का द्विगुणन कब होता है, कहाँ होता है, कैसे होता है और क्यों होता है। सबसे पहले हम इन सभी सवालों को जान लेते हैं कि डीएनए का जो द्विगुणन होता है ये कब होता है। सबसे पहला क्वेश्चन, तो जो डीएनए का द्विगुणन होता है, जब एक कोशिका से दो कोशिका, दो कोशिका से चार कोशिका, अर्थात जब कोशिकाओं का विभाजन होता है, तो उसके पहले एक अवस्था होती है जी1 अवस्था, एस अवस्था और जी2 अवस्था। इन तीनों अवस्थाओं में जो एस अवस्था होती है उसके दौरान डीएनए का द्विगुणन होता है। ठीक है, आप सभी को पता है कि डीएनए का कार्य होता है जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण माता पिता से बच्चों को प्राप्त होते हैं उनका कार्य कौन करता है, डीएनए ही ले जाता है। तो जब डीएनए का, जब कोशिका विभाजन होता है, तो कोशिका विभाजन के दौरान जब एक से दो कोशिकाएं बनती हैं, तब उस समय डीएनए का द्विगुणन भी जरूरी होता है, क्योंकि जो डीएनए होता है बराबर बराबर मात्रा में दोनों में जाता है, तो उसकी समझ लीजिए फोटोकॉपी हो जाती है वहीं पर। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि डीएनए का द्विगुणन क्या होता है। अब सवाल ये आता है डीएनए का द्विगुणन क्यों होता है, इसका भी आंसर आपको मिल गया है। अब सवाल ये आता है कि डीएनए का जो द्विगुणन होता है इसमें कितना समय लगता है। तो जो डीएनए होता है, डीएनए के द्विगुणन में लगभग 40 मिनट का समय लगता है। आपको याद रखना है लगभग कितने मिनट, लगभग 40 मिनट का समय डीएनए के द्विगुणन में लगता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि डीएनए का द्विगुणन कहाँ पर होता है। तो आप सभी को पता है कि डीएनए एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल है, न्यूक्लिक एसिड है, और न्यूक्लिक एसिड कोशिका के केंद्रक में उपस्थित रहता है। जब ये कोशिका के केंद्रक में उपस्थित रहता है तो जाहिर सी बात है कि जो डीएनए का द्विगुणन होगा वो कहाँ पे होगा, केंद्रक के अंदर होगा। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे डिटेल में कि डीएनए का द्विगुणन यानी कि प्रतिलिपिकरण कैसे होता है। ठीक है, तो अब हम लोग शुरू करते हैं। तो जो डीएनए का द्विगुणन होता है ये तीन चरणों में पूर्ण होता है, कंप्लीट होता है। सबसे पहला है डीएनए अणुओं के पराकुंडलों का अकुंडलन एवं पुनर्कुंडलन। ठीक है, दूसरा है, जो दूसरा चरण होता है द्विकुंडलिनी का अकुंडलन तथा द्रवण, और तीसरा स्टेप है नई पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का निर्माण होना। ये तीन चरणों में डीएनए का जो है द्विगुणन होता है। डीएनए का द्विगुणन का मतलब हम आपको बता चुके हैं कि एक डीएनए से दो डीएनए अणुओं का बनना, और ये किस प्रकार बनता है, कैसे बनता है, अब हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले जो डीएनए की जो संरचना होती है इसके बारे में हम जान लेते हैं। डीएनए की जो संरचना होती है वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है या फिर डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होती है, यानी कि उसमें दो सूत्र होते हैं। इस तरीके से अगर आप देखें तो देखिए, पहले हम एक आउटलाइन समझ लेते हैं। ये हमारा एक डीएनए है,
डीएनए में एक स्ट्रैंड ये है, एक स्ट्रैंड ये है, और दोनों की जो दिशा होती है अलग अलग होती है। एक की दिशा 5' to 3' होती है और तीसरे की 3' to 5' होती है। दो स्ट्रैंड इसके, दो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है। और ये जो इसमें लाइन दिखाई दे रही है सीडी जैसी संरचना, ये हाइड्रोजन बंध के द्वारा नाइट्रोजनस बेस होते हैं, नाइट्रोजन समाचार होते हैं जो एक दूसरे में जुड़े होते हैं। अब क्या होगा कि इस डीएनए से, पहली बात तो जो डीएनए कुंडली संरचना है, ये कुंडली संरचना पहले सीडी नुमा संरचना में बदलेगी। पहले हम आउटलाइन समझ लेते हैं किस प्रकार होता है। सीडी नुमा संरचना में बदलेगी और फिर ये जो बॉन्ड्स हैं नाइट्रोजन समाचार के बीच में, ये बॉन्ड्स इस तरीके से ब्रेक होते चले जाएंगे। और जब ब्रेक होते चले जाएंगे तो यहाँ पर दो तरह की संरचना बन जाएंगी, जिसे हम लोग टेम्पलेट कहेंगे। क्या कहेंगे? टेम्पलेट। एक संरचना ये बनेगी और दूसरी संरचना ये बनेगी। इस तरीके से आप देखिए, ये पहला टेम्पलेट और ये दूसरा टेम्पलेट। इस तरीके से एक टेम्पलेट ये, दूसरा टेम्पलेट ये। अब इसी के कॉम्प्लीमेंट्री जो भी यहाँ पे नाइट्रोजन समाचार होंगे, ए टी जी सी सी जी टी ए, इस तरीके से जितने भी होंगे, इनके कॉम्प्लीमेंट्री अलग से बाहर से एक पहले आरएनए प्राइमर बनेगा, उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की सहायता से ये इस तरीके से जुड़ते हुए चले जाएंगे। और इस तरीके से एक डीएनए अणु से दो डीएनए अणुओं का निर्माण हो जाएगा, एक डीएनए अणु से दो डीएनए अणुओं का निर्माण हो जाएगा। तो ये ब्रीफ स्टडी थी कि किस प्रकार से एक डीएनए से दो डीएनए के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है, तो जब ये सीडी नुमा बन जाएगा, फिर यहाँ पर एक एंजाइम आएगा, इसको काटेगा, जब ये काटेगा तो दो टेम्पलेट बन जाएंगे और दोनों टेम्पलेट के कॉम्प्लीमेंट्री अलग से जी वो आएंगे, आरएनए प्राइमर बनेंगे, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की सहायता से दो अलग अलग डीएनए अणुओं का निर्माण होगा। उसके बाद एक एंजाइम आएगा जो इनको फिर से रिकॉइल कर देगा। क्या कर देगा? रिकॉइल कर देगा। ठीक है, तो जो सबसे पहला स्टेप है डीएनए अणुओं के पराकुंडलनों का अकुंडलन एवं पुनर्कुंडलन, इसमें होता क्या है पहले हम इसको समझेंगे। तो देखिए, ध्यान से समझिए, यहाँ पे एक डीएनए की संरचना हम पहले से बनाए हुए हैं। ये 3' to इसकी जो दिशा है 5' है और दूसरे की जो दिशा है ये 5' to 3' है। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि जो पहला चरण है डीएनए अणुओं के पराकुंडलों का अकुंडलन एवं पुनर्कुंडलन। जो पराकुंडल होते हैं, आप सभी को पता है कि केंद्रक के अंदर जो डीएनए होता है वो अतिकुंडलित अति संघनित संरचना होती है न्यूक्लियस के अंदर। तो अब उससे एक डीएनए तो दो डीएनए तो बन नहीं सकते। क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा संघनित अवस्था में ये पाया जाता है। तो सबसे पहले एक एंजाइम होता है जिसे बोलते हैं टोपो आइसोमरेज एंजाइम। क्या बोलते हैं? टोपो आइसोमरेज एंजाइम। इसी को आपको समझना है कि टोपो आइसोमरेज एंजाइम आता है और इस डीएनए से चिपक जाता है। इस डीएनए अणु से टोपो आइसोमरेज एंजाइम आएगा और वो चिपक जाएगा। ठीक है, टोपो आइसोमरेज एंजाइम चिपक जाएगा और उसके बाद इसका काम क्या होता है? जैसे आप एक रस्सी को मतलब ढीला करते हो, जब एक रस्सी होती है, रस्सी को ढीला करते जाओ तो नीचे क्या होता है, जो है घुमावदार संरचना बनती चली जाती है। तो ये क्या करता है, जो टोपो आइसोमरेज एंजाइम होता है, ये डीएनए के जो अणु होते हैं उन अणुओं को खोलने का काम करता है। जो अति संघनित अवस्था में रहते हैं उनको क्या करता है, उनका अकुंडलन करता है। अकुंडलन करने के बाद इस तरह की संरचना हो जाएगी, जैसे डीएनए संरचना होती है इस तरह की संरचना हो जाएगी। और जब इस तरह की संरचना हो जाएगी तब उसका क्या होगा, पुनर्कुंडलन होगा, यानी कि फिर से उसकी रिकॉइलिंग होगी। मतलब क्या है कि जो ये संरचना आपको दिख रही है, इस संरचना में पहले अति संघनित संरचना होती है, उसका जो है अकुंडलन होता है। जब अकुंडलन हो जाता है तो एक सीढ़ी नुमा संरचना इस तरह से आपको दिखाई देगी। इस तरह से सीढ़ी नुमा संरचना दिखाई देती है, ये नाइट्रोजन समाचार जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब एक खास बात और कि जो डीएनए का द्विगुणन होता है ये अर्धसंरचित होता है। अर्धसंरचित क्यों होता है ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका आंसर हम लास्ट में बताएंगे आपको। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाया जाएगा, यहाँ पर बहुत आसान तरीके से समझाया जाएगा जिससे आपकी समझ आ जाए। तो ये सीढ़ीनुमा संरचना बन जाती है, दोनों स्ट्रैंड एक सीढ़ी जैसी होती हैं। ठीक है, अब सीढ़ी जैसी जब हो जाएगी तो इसमें एक एंजाइम होता है जिसे बोलते हैं डीएनए हेलिकेज। डीएनए हेलिकेज, ये एंजाइम कौन है? डीएनए हेलिकेज। डीएनए हेलिकेज एंजाइम
इसका काम क्या होता है कि जो नाइट्रोजन समाचार होते हैं इनके बीच जो हाइड्रोजन बंध बने होते हैं इन हाइड्रोजन बंध को तोड़ता है। जब ये तोड़ता चला जाएगा तो होगा क्या, इस तरीके से दोनों सूत्र इसके अलग अलग होते चले जाएंगे, दोनों सूत्र अलग होते चले जाएंगे और एक वाई के आकार का संरचना बनाएंगे। इससे देखिए एक लाइन और इससे दो लाइन वाई के आकार का संरचना बनाते हैं जिसे बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन फॉर्क, जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में लिखी हुई है, रेप्लिकेशन फॉर्क। ठीक है, पूछ लिया जा सकता है रेप्लिकेशन फॉर्क क्या होता है। तो जब दोनों सूत्र अलग अलग हो जाएंगे तो एक वाई आकार की संरचना बनाएंगे जिसे बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। ये दूसरा जो एंजाइम यहाँ पे है ये है टोपो आइसोमरेज, टोपो आइसोमरेज। टोपो आइसोमरेज एंजाइम का कार्य क्या होता है कि ये जो अतिसंघनित अवस्था डीएनए की होती है इसको जो है कुंडलित यानी अकुंडलन करता है, इसको खोलता है, सीढ़ीनुमा संरचना बनाता है। अब जब ये सीढ़ीनुमा संरचना बन जाएगी तो हेलोजन एंजाइम आएगा और इसको यहाँ जितने भी जो बॉन्ड्स हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स उनको तोड़ेगा, उनको तोड़ेगा तो अलग अलग दोनों सूत्र अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से दोनों सूत्र अलग हो जाएंगे। जब दोनों सूत्र अलग हो जाएंगे तो यहाँ पे ध्यान से इसको समझिएगा, पहले स्टेप में क्या हुआ था कि टोपो आइसोमरेज एंजाइम आया उसने जो है अकुंडलन शुरू कर दिया, दूसरे स्टेप में द्विकुंडली का अकुंडलन तथा द्रवण होता है। अकुंडलन दूसरे स्टेप में क्या हो रहा है कि हेलिकेज एंजाइम आया और इसने क्या किया, जो बॉन्ड्स लगे हुए उनको काट दिया। जब ये काट दिया दोनों सूत्र अलग अलग हो गए। अब दोनों सूत्र अलग हो गए तो इनको बोलते हैं टेम्पलेट। क्या बोलते हैं? टेम्पलेट। एक टेम्पलेट ये बन गया, दूसरा टेम्पलेट ये बन गया। अब इसको ध्यान से समझना है, अब कौन कौन से एंजाइम होते हैं इसी के साथ में, डीएनए हेलिकेज के एंजाइम के साथ एक एंजाइम और जुड़ा होता है जिसे बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, या इसको हम लोग प्राइमेज भी बोलते हैं, आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ये आता है और आने के बाद यहां पर इस तरीके से एक आरएनए पॉलीमर बना, आरएनए जो है प्राइमर बनाता है। क्या बनाता है? आरएनए प्राइमर। ये यहाँ पे बनेगा आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर क्या होता है? जो ये डीएनए का एक सूत्र बन चुका है पहले से ही, दूसरा सूत्र जो बनेगा वो आरएनए प्राइमर की सहायता से बनेगा। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आता है और आरएनए प्राइमर का निर्माण करता है। आरएनए प्राइमर में आपको पता है कि जो आरएनए बनेगा उसमें थायमिन की जगह पर क्या होता है? यूरेसिल होता है। तो सबसे पहले तो क्या होगा? यूरेसिल ही बनेगा। और दूसरी बात, जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो द्विदिशात्मक होता है, द्विदिशात्मक। इसको सबसे पहले ह्यूबरमैन और रिक्स ने देखा था, ह्यूबरमैन और रिक्स 1968 में। इन दोनों वैज्ञानिकों ने ये बताया था कि जो डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है ये द्विदिशात्मक होता है। होता तो एक ही दिशात्मक है लेकिन जब रेप्लिकेशन होता है तो द्विदिशात्मक शुरू हो जाता है, लेकिन जब ये इसका निर्माण होता है तो 5' to 3' ही आरएनए का निर्माण होता है, 5' to 3' निर्माण होता है। इसको जो द्विदिशात्मक होता है किसने बताया था? हूबरमैन और रिक्स ने बताया था। उसके पहले जो इकोलाई बैक्टीरिया में यानी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए का रिप्लिकेशन सबसे पहले देखा था, वो देखा था किसने? एक साइंटिस्ट हैं मैथ्यू मिशेलसन। किसने? मैथ्यू मिशेलसन एवं एक साइंटिस्ट और हैं जिनका नाम है स्टाहल। इन दोनों वैज्ञानिकों ने 1958 में देखा था कि जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें रेप्लिकेशन किस प्रकार होता है। सबसे पहले किसने देखा था? मैथ्यू मिशेलसन एवं स्टाहल ने, दो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने देखा था कि किस प्रकार से जो है रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, द्विदिशात्मक होता किसने देखा था? हूबरमैन और रिक्स ने 1968 में देखा था। तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो हेलिकेज के डीएनए हेलिकेज के साथ जुड़ा होता है
ये क्या करता है कि आरएनए प्राइमर का निर्माण करता है। आरएनए प्राइमर क्या होते हैं, छोटे छोटे जो खंड होते हैं जिनसे बाद में डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आता है। कौन सा एंजाइम? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आता है जो रेप्लिकेशन को आगे बढ़ाता है। ठीक है, ये तीन तरीके होते हैं जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं, ये तीन तरीके के होते हैं। जो तीसरा टाइप होता है वो क्या करता है कि जो डीएनए बन रहा है यहाँ पर, दूसरा भाग जो डीएनए का बन रहा है ये इसको आगे बढ़ाता है। जो दूसरे टाइप का होता है डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड टाइप का होता है, वो जो यहाँ पे टेम्पलेट अभी बन जाएंगे, मतलब कि एक ये बन जाएगा खंड, दूसरा खंड ये बन जाएगा, तीसरा खंड ये बन जाएगा, इन सभी को रिपेयर करने का काम करता है। जब यहाँ से आरएनए प्राइमर हट जाएगा, चला जाएगा यहाँ से आरएनए प्राइमर, तो क्या करेगा, उनको रिपेयर करने का काम करता है। तीसरा जो आता है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम, ये जो खंड बनेंगे ओकाजाकी खंड जब बनते हैं, जब यहाँ से इन खंडों को जोड़ने का काम करता है डीएनए आइसोमरेज फर्स्ट एंजाइम। ठीक है, अब टोपो आइसोमरेज जो एंजाइम होता है, टोपो आइसोमरेज एंजाइम दो प्रकार के होते हैं, टोपो आइसोमरेज फर्स्ट और टोपो आइसोमरेज सेकेंड। तो जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें टोपो आइसोमरेज सेकेंड एंजाइम जो होता है ये पार्टिसिपेट करता है जो अनकॉइलिंग में, जो डीएनए होता है कॉइल स्ट्रक्चर उसको अनकॉइलिंग में टोपो आइसोमरेज सेकेंड होता है, लेकिन जो टोपो आइसोमरेज फर्स्ट एंजाइम होता है ये प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में या प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है स्टार्ट करता है अनकॉइलिंग को। ठीक है, तो सबसे पहले हो क्या रहा है, आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे आया, उसने आरएनए प्राइमर का निर्माण किया। आरएनए प्राइमर के बनने के बाद ये रेप्लिकेशन शुरू हो जाता है। जब ये रेप्लिकेशन शुरू हो जाता है तो तुरंत उसी समय डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आता है जो रेप्लिकेशन को आगे बढ़ाता है। जब ये रेप्लिकेशन आगे बढ़ाता है तो इसी तरीके से ये नाइट्रोजन समाचार आपस में जुड़ना शुरू हो जाते हैं इस तरीके से, और इस तरीके से जुड़ते हुए आगे चले जाते हैं। जैसा कि हम बता चुके हैं कि जो रेप्लिकेशन होता है वो एक ही दिशा में 5' to 3' होता है। तो यहाँ पे देखिए जो खंड बनेगा इसका, ये 5' और ये 3', तो ये सीधा यानी कि कंटिन्यूस बनेगा। ये जो बनेगा एक न्यूक्लियोटाइड डीएनए का, ये कंटिन्यूस बनेगा। क्या बनेगा? कंटिन्यूस बनेगा। परंतु अभी यहाँ पे देखिए ये उल्टा हो रहा है इसकी दिशा, क्या हो रही है, उल्टी हो रही है, इधर की ओर बनेगा। जब ये उल्टा बनेगा तो ये छोटे छोटे खंडों बनता है। कहने का मतलब ये है कि इसमें बार बार आरएनए प्राइमर्स बनेंगे। जब एक वाले में जो कंटिन्यूस जिसमें बन रहे हैं उसमें एक ही बार आरएनए प्राइमर बनेगा, परंतु जब ये इसकी दिशा उल्टी हो जाएगी, तो बार बार इसमें आरएनए प्राइमर्स बनेंगे। आरएनए प्राइमर्स जब बार बार बनेंगे तो इसमें छोटे छोटे खंड भी बन जाएंगे। तो ये जो छोटे छोटे खंड होते हैं, ये खंड, इन खंडों को बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स या ओकाजाकी खंड बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हमने क्या बताया था, ये जो आरएनए प्राइमर होता है यहाँ पे बन जाता है किसकी सहायता से, प्राइमेज एंजाइम की सहायता से आरएनए प्राइमर बनता है। ये क्या करता है कि आरएनए प्राइमर जो है रेप्लिकेशन को बढ़ाता है। ये 5' to 3' इस दिशा में जो है रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है। आरएनए प्राइमर बनने के बाद डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पर आता है और ये रेप्लिकेशन को आगे बढ़ाता है। अब ये जो छोटे छोटे खंड होते हैं, ये छोटे छोटे खंड होते क्यों हैं, ये हम जानेंगे सबसे पहले कि छोटे छोटे खंड होते क्यों हैं आखिर। तो जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो 5' to 3' होता है। यहाँ पे देखिए एक जो हेलिक्स है ये 5' to 3' इधर को है, ये 5' to 3' इधर को है, लेकिन ये उल्टा बन रहा है। देखिए इधर में इस दिशा में जा रहा है, परंतु इस दिशा में देखिए ये इस दिशा में आ रहा है। इसलिए जो आरएनए प्राइमर है इसमें बार बार बनते हैं, यानी कई सारे आरएनए प्राइमर्स बनते हैं, तब जा करके जो है डीएनए का रेप्लिकेशन कंप्लीट होता है, यानी कि 5' to 3'। छोटे छोटे खंड बनते हैं, इन्हें बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। अब देखो जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट बन चुका है, अब देखो यहाँ पे गैप है, क्या है, गैप है, ये गैप है। इन गैप को भरने के लिए एक एंजाइम होता है जिसे बोलते हैं डीएनए लाइगेज। क्या बोलते हैं? डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज एंजाइम आएगा और ये जो फ्रेगमेंट्स के बीच में जो खाली जगह है इनको भर देगा। ठीक है, और इस तरीके से जब ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा तो जो हमारे पास एक एंजाइम होगा, ये एंजाइम इसको यहाँ से कट कर देगा और दो तरीके के, यानी कि दो अलग अलग डीएनए की कॉपियाँ बन जाएंगी, एक डीएनए से दो डीएनए बन जाएंगे।
तो हम लोग एक बार फिर से समझ लेते हैं कि किस प्रकार से डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, वो सबसे पहले टोपो आइसोमरेज एंजाइम की सहायता से, और वो एंजाइम कैसा होता है, टोपो आइसोमरेज सेकेंड एंजाइम। टोपो आइसोमरेज सेकेंड एंजाइम ये इसको क्या करता है, अनकॉइलिंग शुरू कर देता है। जब अनकॉइलिंग शुरू कर देता है, ये सीढ़ी जैसी संरचना बनाता है, इस तरीके से देखिए सीढ़ी जैसी संरचना बनाता है। जब ये सीढ़ी जैसी संरचना बना लेगा तो वहाँ पर डीएनए हेलिकेज एंजाइम आता है, वो वहाँ से हाइड्रोजन बंड्स को काटता है। जब हाइड्रोजन बंड को तोड़ता है यहाँ से, तो दोनों सूत्र अलग अलग हो जाते हैं। जब दोनों सूत्र अलग अलग हो जाते हैं, उनको बोलते हैं टेम्पलेट। जब ये टेम्पलेट बन जाएंगे तो वहीं पर होता है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है, ये जो आरएनए पॉली प्राइमर बना है इसको उत्प्रेरित करता है बनने के लिए, जिसे हम लोग प्राइमेज एंजाइम कहते हैं। अब ये प्राइमेज एंजाइम क्या करेगा, रेप्लिकेशन को आगे बढ़ाएगा। और रेप्लिकेशन जो प्रोसेस होती है, ये 5' to 3' होता है। जब ये 5' to 3' बनना स्टार्ट हो जाता है, तभी वहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आता है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जब आता है तो उसके बाद रेप्लिकेशन को आगे बढ़ा देता है। ठीक है, उसी तरीके से दूसरे वाले सूत्र में देखिए, इसमें 3' to 5' तो हो नहीं सकता, तो इसकी दिशा उल्टी हो जाती है। जब इसकी दिशा उल्टी हो जाती है, इसीलिए इसमें बार बार कई बार आरएनए प्राइमर बनते हैं और छोटे छोटे खंड बनाते हैं। इन छोटे छोटे खंडों को बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स के बीच में जो जगह बसती है, उसको भरने के लिए डीएनए लाइगेज एंजाइम आता है। उसके बाद में टोपो आइसोमरेज एंजाइम द्वारा इसको अलग कर दिया जाता है। जब इसको अलग कर दिया जाएगा तो दो अलग अलग स्ट्रैंड डीएनए के तैयार हो जाते हैं। तो फाइनली हम लोगों ने क्या समझा कि एक डीएनए से, ये हमारा डीएनए है, इस डीएनए से दो तरीके के, यानी दो अलग अलग, एक डीएनए से दो डीएनए का निर्माण हो गया है। इस तरीके से देखिए, सबसे पहले शुरुआत में हमने कहा था कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है, प्रतिलिपिकरण होता है, ये अर्धसंरचित होता है। इसका क्या मतलब है, अर्धसंरचित का मतलब होता है कि इसमें देखिए जो डीएनए था उसमें से एक पैतृक डीएनए आता है। ये वाला देखो जो सूत्र है, ये पैतृक सूत्र है, ये इसको पेरेंट से मिलता है। दूसरा वाला जो सूत्र बनता है, ये अलग से बनता है। तो इसलिए इसको कहा गया अर्धसंरचित होता है, यानी कि सेमी कंजर्वेटिव होता है। आधा इसमें से पहले ही बना होता है, आधा इसका बाद में निर्माण होता है एक सूत्र का। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो अर्धसंरचित होता है। तो ये था पूरी तरीके से डीएनए का रेप्लिकेशन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, इसमें जो कई सारे एंजाइम्स होते हैं उन कई सारे एंजाइम्स को रेप्लिसोम कहा जाता है एक साथ। ठीक है, इन सबको क्या कहा जाता है, रेप्लिसोम। और जहाँ से डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है उसे बोलते हैं ओरिजिन साइट, यानी कि शॉर्टकट में ORI साइट, ओरिजिन साइट बोलते हैं, ओरी साइट जैसे वो शॉर्टकट में बोलते हैं। अब इन दोनों को समृद्ध रूप से, जो रेप्लिसोम है और ओरी साइट है, इन दोनों को समृद्ध रूप से बोलते हैं रेप्लिकॉन। इसे क्या बोलते हैं, रेप्लिकॉन। तो हमने देखा कि कौन कौन से एंजाइम्स लगते हैं डीएनए रेप्लिकेशन में, टोपो आइसोमरेज सेकंड, डीएनए हेलिकेज, उसके अलावा आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, उसके अलावा डीएनए लाइगेज। इतने तरीके के एंजाइम डीएनए रेप्लिकेशन में भाग लेते हैं। उसके अलावा जो हमने वर्ड यूज किए हैं, टेम्पलेट यूज किए हैं, जब दोनों सूत्र अलग अलग हो जाते हैं उसको बोलते हैं टेम्पलेट। उसके अलावा हमने आरएनए प्राइमर का नाम लिया है, आरएनए प्राइमर रेप्लिकेशन को स्टार्ट करता है। डीएनए पॉलीमरेज के पास इतनी क्षमता नहीं होती है कि वो डीएनए रेप्लिकेशन को स्टार्ट कर सके, इसलिए आरएनए प्राइमर पहले बनता है, फिर डीएनए पॉलीमरेज आता है और डीएनए रेप्लिकेशन को आगे बढ़ाता है। सेम उसी तरीके से भी कंडीशन होती है। तो आप लोग, आई होप कि आप लोगों को ये सब पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी पता चल सके कि डीएनए का रेप्लिकेशन किस तरीके से होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलें। धन्यवाद।